और अगर आपका आधार नंबर किन्हीं कारणों से अमान्य हो जाए तो आप क्या करेंगे? हिसार के योगनगर के रहने वाले बुजुर्ग दिव्यांग नरेंद्र पाल ने वो सब कुछ किया, लेकिन कोशिशों की हद इसे कहा जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड अमान्य होने की वजह से नरेंद्र पाल और उनके परिवार की जिंदगी तो जैसे तूफानों में घिर गई है। पिछले 3 साल से ये कहानी यूं ही चल रही है। जिंदगी के उस मोड़ पर जब हर किसी को सहारे की जरूरत पड़ती है, उस वक्त डिजिटल इंडिया ने दिव्यांग नरेंद्र पाल को बेसहारा कर दिया। 66 साल की उम्र के नरेंद्र पाल उस वक्त को कोस रहे हैं जब उनका आधार कार्ड ही उनके जी का जंजाल बन गया। वजह, उनका आधार कार्ड अमान्य हो चुका था। मैं जी 3 साल से परेशान हूँ और मैं हर ऑफिस में जाके गुहार लगा दी, RTI लगाई, जैसा भी मेरे से अनपढ़ व्यक्ति हूँ, विकलांग हूँ, लकवा हो रहा है जी। उस हालात में मैं 3 साल से भाग दौड़ रहा हूँ, लास्ट में मैं थक गया जी। फिर मैंने CM साहब को लगाई, 5 बार CM विंडो में लगाई, फिर CM साहब के PA से बात की, 3 महीने हो गए, वो भी कभी कहते हैं रिमाइंडर डालो, मेरे पैसे लग रहे हैं जी, इधर पेंशन की दिक्कत हो गई और मैं 3 साल से चूल्हा जला रहा हूँ, मुझे गैस नहीं मिल रहा। दिव्यांग नरेंद्र पाल और उनके बेटे ने इस सामान्य आधार कार्ड की समस्या से निपटने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन इन 3 सालों में नरेंद्र पाल अपने पुराने आधार कार्ड को वापस चालू करवाने में नाकाम रहे। पानी सिर से ऊपर होकर गुजरता देख नरेंद्र पाल ने आखिरकार अपना एक नया आधार नंबर तो हासिल कर लिया, लेकिन इस नए आधार कार्ड से भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। बीमारी मुझे लकवा हो रहा है सर, बहुत साल से लकवे की हालत में ही मैं भागता रहा दिन भर, 3 साल से भाग के मैं थक गया हूँ, चुप होकर के बैठ गया हूँ। आज मुझे कहीं से आपका नंबर मिला, बोला टोटल TV पे आप बुलाओ, आपकी सुनाई होगी। तो महीना पहले सारी जगह चक्कर काटने के बाद हमने आधार ऑफिस गए तो वो बोले अंकल आपका ये आधार इनवैलिड हो गया है, आपका एक हल किया जा सकता है कि आपको नया आधार प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमने नया आधार बनवा लिया उनके कहने पे भी, चलो हमारा हल हो जाए कैसे भी। नया आधार बनाने के बाद गैस ऑफिस वाले जाते हैं तो गैस ऑफिस वाले कहते हैं आपका आधार ऑलरेडी लिंक है पुराने वाला। हम कहते हैं वो आधार इनवैलिड हो गया, वो लिंक कैसे रह गया? तब भी वो कहते हैं कि नहीं, आपका ऐसे कैसे आधार इनवैलिड हो जाता है, आपका आधार इनवैलिड हो ही नहीं सकता। और बैंक में गए तो बैंक वालों ने लेके रख लिया हमारा आधार, लिंक का ना लिंक का हमें पता नहीं है कि उन्होंने लिंक किया है कि नहीं किया। बुढ़ापा पेंशन की अभी पिछले महीने हम लिंक करा के, इस महीने पेंशन मिलेगी तब पता चलेगा कि हमारा लिंक हुआ है कि नहीं हुआ। जिंदा रहने के लिए आधार नंबर अब जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतों में शुमार हो चुका है। इसके बिना क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, ये तो सिर्फ हिसार के योगनगर में रहने वाला नरेंद्र पाल और उसका परिवार ही बयां कर सकता है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार ब्यूरो।